नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। इन दिनों पेपर लीक होना आम बात हो गई है। परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिसके चलते पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मामले से जुड़े हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं, कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी हुई पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और यूपी सरकार ने 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था, जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा के री एग्जाम की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ सरकार ने इस बार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम भी उठाया है। आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद यूपी सरकार पर सवाल उठे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पेपर लीक का मुद्दा गहराया। योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक पर सवाल उठे। युवाओं के बीच पेपर लीक का मुद्दा आक्रोश के तौर पर गहराया। असर चुनाव परिणाम में भी दिखा। भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में 62 सीट पर जीती भाजपा महज 33 सीटें जीत पाई। अब योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथियों का ऐलान किया गया है। यूपी में 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस बार 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। 5 चरणों में होने वाली परीक्षा के दौरान यूपी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त नजर रखेगी। इस परीक्षा के जरिए योगी सरकार की कोशिश युवाओं के बीच सरकार की छवि को बेहतर बनाने की होगी। सिपाही भर्ती के शेड्यूल को जारी किए जाने के बाद इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल विरोधी कानून के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। 1 जुलाई से प्रदेश में इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है। इसी कानून के दायरे में अब सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरा कराया जाएगा। इस बार परीक्षा को स्वच्छ और नकल मुक्त माहौल में परीक्षा कराने की पूरी योजना है। इस बार परीक्षा में पेपर लीक के को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बार परीक्षा शासकीय संस्थानों में होगी। निजी कॉलेजों में इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इस बारे में आदेश जारी किया गया है। पिछली बार परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में भी बनाए गए हैं। अब आपको बता दें कि सरकार ने पेपर लीक जैसी स्थिति को रोकने के लिए गहनता से हर स्टेप को उठाए जाने की बात कही। इस बार परीक्षा बिना लीकेज के होगा। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ को लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र और कक्ष में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन 1 जुलाई से लागू नकल विरोधी कानून इस परीक्षा पर लागू होगा। परीक्षा की स्वच्छता को प्रभावित करने वाले इस कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे। जाहिर है यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। पेपर लीक मामले के बाद सीएम योगी ने परीक्षा को रद्द करते हुए 6 माह में पुनर्परीक्षा के आदेश दिए थे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अब तैयारियों को पूरा करा लिया है। 6 माह में ही पुनर्परीक्षा कराई जा रही है। सरकार प्रशासन और भर्ती बोर्ड की ओर से इस बार पेपर लीकेज को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। अगर कोई भी इस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उन पर बुलडोजर एक्शन तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।